Praise the Lord and welcome to this brand new day. और आप सबको जय मसीह की और आप सबका स्वागत है इस नए दिन में. Let us see what God has for us today. और आइए हम देखिए आज के दिन परमेश्वर हमसे क्या वार्तालाप करना चाहता है. In Psalm number 103 verse 5 says. और भजन संहिता उसका 105 और पांचवें वचन में इस प्रकार लिखा है. Read. वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जीव जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है. He renews our youth like the eagles. वो हमारी जवानी को उकाब की तरह समान नया करता है. The eagle is an amazing bird. और ये उकाब एक अद्भुत पक्षी है. An eagle has the longest lifespan. और एक उकाब के पास सबसे लंबा जीवन काल या जीवन होता है. An eagle can live up to 70 years. और एक उकाब लगभग 70 सालों तक जी सकता है. But at the age of 40, लेकिन 40 साल की उम्र में excuse me, this bird has to make a very crucial, important decision. 40 साल की उम्र में इस पक्षी को एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है. By this time, the eagle has spent all its strength. और अभी तक के इस समय तक उस उकाब ने अपनी सारी शक्ति को समाप्त कर दिया होता. And by this time, the eagle looks very old and ready to die. और इस समय तक वो उकाब लगभग मरने की कगार पर दिखता है और बड़ा वृद्ध हो जाता है. The beaks are long and bent. और वो जो चोंच उसकी होती है वो लंबी होती हैं और मुड़ जाती हैं. And the wings have lost much of its strength and feathers. और उसके पंखों की ज्यादातर ताकत और वो पर खत्म हो गए होते हैं. The claws are no longer able to hold its prey. और वो पंजे अब अपने शिकार को उठाने के योग्य नहीं रहते. And the eyes are dim. और वो आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है. But remember, लेकिन फिर भी याद रखिए, how strong the claws of eagle is. कितने मजबूत और शक्तिशाली होते हैं पंजे एक उकाब के. They can carry catch a small goat and fly with it. In its claws. अगर आपको पता हो कि एक उकाब अपने पंजों में एक छोटे बकरे को उठाकर उड़ सकता है. Serpents and cobras and all kinds of creatures, including goats and sheep and और हर प्रकार के जानवरों को, चाहे वो सांप हो, किंग कोबरा हो, खरगोश हो, और यहाँ तक कि बकरी के बच्चों तक को वो अपने पंजों में पकड़कर उड़ सकता है. And its eyes have one of the keenest vision. और उसकी आंखों के पास, उसकी एक उकाब की आंखें सबसे स्पष्ट और साफ और दूरदर्शी आंखें होती हैं. An eagle can detect a prey from the highest by flying very high in the sky. और एक उकाब बड़े ऊंचाई से भी आसमान में उड़ते हुए अपने शिकार को बड़ी आसानी से देख सकता है. And once it detected, और अगर वो एक बार अपने शिकार को पहचान ले, that creature will not be able to escape. तब वो शिकार उससे बच नहीं सकता. Because immediately it flies with great speed coming down. क्योंकि like तुरंत ही वो बड़ी तेजी से आकाश से नीचे की ओर उड़ता है. But the eagle is in a crossroad of decision. लेकिन ये उकाब भी अपने जीवन की एक ऐसे चरण या एक ऐसे रास्ते पर आता है. At the age 40, जो कि 40 साल की उम्र है.
It has to make a choice. उसे एक चुनाव करना पड़ता है. It has two choices before it. उसके सामने दो चुनाव होते हैं. It can choose to die. वो चुन सकता है कि वो मर जाए. Or get itself renewed and be young again. या दूसरे हाथ पर वो फिर से खुद को तरोताजा कर जवान हो जाए. It would take about 150 days. To accomplish this. और लगभग 150 दिन लगेंगे उसे फिर से तरोताजा होने में. And so the second choice is. और इसने दूसरा चुनाव ये है. Instead of dying. कि मरने की बजाय. Allow itself 150 days of painful process of renewal. कि वो 150 दिनों की उस कठिनाई उस दर्दनाक प्रक्रिया से होकर के निकले जो उसे फिर से तरोताजा कर दे. This is the choice. और ये है वो चुनाव. You can die. आप मर सकते हैं. Or live again as young. या फिर by spending 150 painful days. या फिर से आप या तो मर सकते हैं या तो 150 दिन दर्दनाक उन 150 दिनों का सामना करके फिर से तरोताजे हो सकते हैं. And usually the eagles decides. And it chooses to renew itself and its strength. और ज़्यादातर यही होता है कि एक उकाब उन 150 दिनों का चुनाव करके उस दर्द के दिनों से होकर अपने उस शक्ति को फिर से तरोताजा करता है. But how about human being? लेकिन मानव मनुष्य के विषय में क्या कहें? Many. कई. Rather than spending few painful days. कुछ दर्द के decides to die. And go and kill themselves. मनुष्य के विषय में क्या कहें कि कुछ ज्यादातर तो यही करते हैं कि उन कुछ मुश्किल और दर्द के दिनों में अपने समय को बिताने की बजाय ये चुनते हैं कि वो मर जाए. With whatever strength left, the eagle flies away to the highest rock it can find. और जो भी शक्ति एक उकाब के पास बचती है उस उम्र तक वो पूरी कोशिश करके सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच जाता है. It settles and lay down with its wings spread. और वहां पर वो लेट जाता है अपने पंखों को फैलाकर. The claws and the beak beat against the rough surface of the rock. और उसकी चोंच और उसके पंजे उस पत्थर की खुदरेली तो जो परत है उससे लड़ते और टकराते हैं. For 150 days. और लगभग 150 दिनों तक. Complete fast. और वो 150 दिनों तक उपवास में रहता है. It lays there quiet. वहाँ पर चुपचाप लेटा रहता है. The feathers are all lost. और वो सारे पंख उसके उजड़ जाते हैं. Still and as if dead. और वो वहां पर ऐसे पड़ा रहता है कि मानो उसकी मृत्यु हो गई है. After 150 days, लेकिन 150 दिनों के पश्चात a new and a renewed youthful eagle emerges. एक नया एक जवान उकाब उत्पन्न होता है. Oh, what a picture. ओ कितना अद्भुत दृश्य है. And its life is now extended to another 30 more years. और उसका जीवन अगले और 30 सालों तक बढ़ जाता है. Not a small achievement. ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है. 30 more youthful years. और 30 और जवानी के साल. With all its original strength and keenness of sight and ability. और उन सारी उसकी देखने की शक्ति पंजों की ताकत वो सारी बातें उसे फिर से प्राप्त हो जाती हैं. And that's what the psalmist says. और इसी बात को ये भजन रचने वाला कहता है. My youth is renewed like the eagles. मेरी जवानी उस उकाब के समान तरोताजा कर दी जाएगी. There is one point. एक बात है. An eagle always seeks the highest point spot. और एक उकाब सबसे ऊंचे चोटी या स्थान को चुनता है. Where no other object will block the sunshine. जहां पर कोई दूसरा ऐसा पदार्थ या वस्तु नहीं है जो उस सूरज की या सूर्य की रोशनी को रोक सके. Its eyes are turned towards the east.
where the sun rises. और उसकी आंखें उस दिशा की ओर लग जाती हैं जहां से वो सूर्य निकलता है. For 150 days. लगभग 150 दिनों तक. It sees the sun rise. वो देखता है कैसे वो सूर्य निकलता है. Shedding its beams of sunlight. कैसे वो सूर्य अपने सूर्य की अपनी रोशनी की किरणों को नीचे छोड़ता है. To hit upon this eagle and cover the lights of the sun covers this eagle completely. और कैसे ये सूर्य की रोशनियां उस उकाब को पूर्ण रीति से ढक लेती हैं. The eagle also is a bird that flies the highest height. और ये उकाब एक ऐसा पक्षी है जो साथ ही साथ सबसे ऊंचाइयों पर उड़ने वाला पक्षी है. And after 150 days. और लगभग 150 दिनों के पश्चात. Receiving from the sunrise light of the sun, the heat of the sun, and it renewed strength, it flies again up into the sky. 150 सालों के पश्चात तो सूर्य की रोशनी को उस सूर्य के तपन को ग्रहण करने के बाद और अपनी शक्ति को अपनी ऊर्जा को अपनी जवानी को तरोताजा करने के बाद वो फिर से उड़ना शुरू करता है. Can you imagine? क्या आप सोच सकते हैं? My youth is renewed like the eagles. कि मेरी जवानी उस उकाब के समान नई की जाती है. Friends, मित्रों, you may be down. हो सकते हैं आप अपने जीवन में नीचे स्तर पर हैं. Discouragement is hitting you hard and you are going down. और निराशा बार-बार आपको आती है, परेशान करती है, उस कारण आप अपने जीवन में एक निचले स्तर पर आ गए. You are ready to give up. और आप तैयार हैं कि हार मान लें. Death is staring at your face. और मृत्यु आपके चेहरे को निहार रही है. But this morning I say. लेकिन इस सुबह मैं आपसे कहता हूँ. Like the eagles. उस उकाब के समान. You are the crossroad of a choice, a vital choice that will determine your future. आप भी अपने जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर आप पहुँचे हैं जहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण चुनाव को करना है. Is your decision just lie down, going down and down and down and die? आपका चुनाव ये है कि आप नीचे ही पड़े रहेंगे और नीचे ही रहेंगे और मृत्यु में जाएंगे. But you can take another decision. लेकिन एक दूसरा चुनाव आप कर सकते हैं. You will rise up. आप उठेंगे. Above your discouragement. अपनी निराशाओं के ऊपर. And look to the one who is seated at the right hand of God the Father on your behalf. और उसकी ओर देखेंगे जो आपके लिए परमेश्वर पिता के दाहिनी हाथ पर बैठे God's प्रार्थनाओं को कर रहा है. God's grace. परमेश्वर का अनुग्रह. His sunlight. उसकी रोशनी. Jesus Christ is called the Son of Righteousness. और प्रभु यीशु मसीह को धार्मिकता का पुत्र कहा गया है. And let the Son of Righteousness rise above you. होने दे वो धार्मिकता का सूर्य आपके ऊपर चमकने पाए. Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह. Will renew your strength. आपकी शक्ति को आपके जवानी को तरोताजा करेगा. You will fly again. और आप फिर से उड़ेंगे. You will reach the highest again. और आप फिर से ऊंचाइयों पर रहेंगे. You will achieve greater and mightier things again. और आप फिर से और सामर्थ्य और शक्तिशाली बातों को करेंगे. Another 30 more years. और लगभग 30 साल तक. Rise and shine. और उठ खड़े हो जाए और चमकें. For your sun is rising and shining on you. क्योंकि आपका सूर्य उगता है और आप पर चमक रहा है. God's blessing be upon you. परमेश्वर का आशीष आप सब के ऊपर हो. We will continue this study. हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे. But Lord, we need the Holy Spirit. लेकिन परमेश्वर हमें तेरे पवित्र आत्मा का आवश्यक. To open our eyes and see the greater possibilities that is ahead of us. ताकि तू हमारी आंखों को खोल और हम बड़ी संभावनाओं को देखने पाएं जो हमारे सम्मुख हैं. Everything around us and our own feelings says, give up. Stop. और हर एक बात हमारे इर्द गिर्द हमसे और सारी भावनाएं यही कहती हैं कि हार मान जाओ और हारो.
But I say, लेकिन मैं कहता हूँ, no, नहीं, I will hold on, मैं थामे रहूँगा, and I will be renewed, और मैं फिर से तरोताजा किया जाऊँगा, I will be renewed my strength like the eagles, और मेरी शक्ति को, मेरी जवानी को फिर से उकाब के समान तरोताजा किया जाएगा, I may have to spend few more days, painful days, और हो सकता है कुछ और दर्द में मुझे दिनों को बिताना होगा, but if I am willing to spend these painful days, I will come out of it stronger with a greater privileges. लेकिन अगर मैं तैयार हूँ इन कठिनाइयों और पीड़ा के दिनों में से निकलने के लिए, तब मैं और शक्ति और सामर्थ्य के संग बाहर निकलूँगा. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. Jesus name. यीशु के नाम. Amen. Amen. God's blessing be upon you, my friends. परमेश्वर का आशीष आप सब के ऊपर हो मेरे मित्रों. Never give up. कभी हार ना माने. Never say tired. कभी ये ना कहें कि मैं थक गया हूँ. I am finished. और मैं समाप्त हो गया. No, you are not finished. आप समाप्त नहीं हुए. God has not given up on you. परमेश्वर ने आप पर हार नहीं मानी. Why should you be discouraged? और इसलिए आप क्यों निराश होते हैं? Look to him. उसकी ओर देखें. Who is ready to renew you? जो तैयार है आपको फिर से नया बनाने. You may have to face some painful experiences. हो सकता है कुछ पीड़ा और कठिनाइयों और दर्द के परिस्थितियों से आप निकलें. Get rid of certain things which are not pleasing to God. और ऐसी बातों से आप दूर करना पड़े जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती. Which may be painful. जो दर्दनाक हो. Beyond that, लेकिन इसके परे, there is a height to which you have to climb. एक ऊंचाई है जिस पर आपको चढ़ाई करनी है. Amen. Amen. God's blessing be upon you. परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर.